हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे सी टैक चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वीडियो लेकर आया हूं और आज आपको ऐसा सी डिजाइन करके दिखाऊंगा, ऐसा फार्मूला लगा कर दिखाऊंगा कि आप कहेंगे वाह। बिल्कुल फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, उसके बाद में आपका जो सीट डिजाइन करने का तरीका है, जो भी आप सीट डिजाइन करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, उसका बिल्कुल ही तरीका बदल जाएगा। आज से ये फार्मूला आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा और काम करने का मज़ा ही कुछ और आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर पर और करते हैं काम एक्सेल पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ सीट डिजाइन है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फार्मूले लगाना बताएंगे, क्योंकि डिजाइन वगैरह करना तो आपको आता है, काफ़ी आसान है डिजाइन करना। यदि डिजाइन नहीं करना था तो हमारे पास बहुत सारे चैनल पर वीडियो है, आप जाके वॉच कीजिए। देखिए, यहाँ पर सीट डिजाइन है, डे बुक, रिपोर्ट और यहाँ पर रिपोर्ट का पूरा सीट है। तो फ्रेंड्स, आप तो बोलेंगे कि अल्लाह ये कौन सा बहुत बड़ी बात है, ये तो हम कर लेते हैं, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सीट डिजाइन है, इसके बारे में तो मैं पहले भी बताया हूँ। लेकिन फ्रेंड्स रुकिए, सीट का डिजाइन आप देखे होंगे, सीट का डिजाइन आपको करना भी आता होगा, इसलिए मैं सीट का डिजाइन आपको नहीं बता रहा हूँ। सीट का डिजाइन काफ़ी इजी तरीके से हो जाता है, कोई बहुत बड़ा डिजाइन इसमें नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो फार्मूला लगा हुआ ना, वो कमाल का है, वो ना आपको मज़ा आ जाएगा देखकर, आप कहेंगे क्या बात है। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम नॉर्मल फार्मूले लगाते हैं, फिर एडवांस फार्मूला जो लगा हुआ है वो लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सीट है इसको कंप्लीट करते हैं। इस सीट पर फ्रेंड्स कोई भी फार्मूला कहीं भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ डेटा एंट्री किया गया है, सीट डिजाइन किया गया है, बेसिक सीट डिजाइन भी हम कहेंगे इसे, बेसिक डिजाइन है तो किया गया है। रिपोर्ट पे भी हम जाते हैं तो बिल्कुल बेसिक डिजाइन है, बस यहाँ पर एक सम का फार्मूला लगा हुआ है, जो यहाँ पर लगता है ईजी होता है सम का फार्मूला, वो बता देंगे वीडियो में, ये भी सम का फार्मूला लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर फाइंड में कोई भी कोड नहीं किया हुआ है, फाइंड का जो बटन है वो डिवेलपर पर जाकर, यहाँ से इंसर्ट पे जाकर बटन लगा हुआ है। यदि आप बटन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पे जाकर आप यहाँ से सेप्स भी लगा सकते हैं, सेम काम करेगा, कोई फर्क नहीं, बस देखने का फर्क है। तो चलते हैं होम पे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम रिपोर्ट वाला जो बैलेंस है इसको क्लियर करते हैं, कि जब हम इसमें डे बुक में डाटा एंट्री करेंगे, फ्रेंड जब हम यहाँ पर डाटा एंट्री करेंगे ना, करते जाएंगे डाटा एंट्री करते जाइए, जितना मर्जी डाटा एंट्री करते जाइए, इसका जो लास्ट जो रो होता है ना, 1,48,576 है, इतना रो तक आप डाटा एंट्री करिएगा, इतना में तो बहुत थक जाइएगा, फिर आप नया सीट बना लीजिए। ठीक है, तो हम सबसे ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो हमारे पास ये डेटा है, तो हम चलिए पहले बेसिक फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले तो ये डेटा को हम हटा देते हैं, सिर्फ एक ही डेटा रहने देते हैं, या फिर ये दो रहने देते हैं, ठीक है, इन दो को रहने देते हैं। ओके, अब हम बैलेंस निकालते हैं, हम सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी में तो अपने आप लगेगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं बैलेंस के लिए, हम सम इफ का यूज करेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको सम इफ का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सम इफ का फार्मूला मिल जाएगा कि किस तरह से होता है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, लेकिन काफ़ी डीपली तरीके से वहाँ पर बताया गया, तो हमारे दूसरे वीडियो पर। तब यहाँ पर लगाते हैं इजिकल टू, ठीक है, सम इफ, ओके, यहाँ पर हम सम इफ लगा लिए, ब्रैकेट स्टार्ट। अब रेंज बोल रहा है तो हम रेंज लेंगे नेम वाला, पार्टी नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैलेंस शो करेगा आपका। ओके, या फिर पार्टी नंबर के अकॉर्डिंग ले लीजिए, नंबर के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो नंबर के अकॉर्डिंग ले लीजिए, आपको लगता है कि एक जैसा दो तीन पार्टियां हो सकती है तो पार्टी नंबर के हिसाब से ले लीजिए, आपको लगता है कि नहीं पार्टी नेम में हर दूसरे पार्टी नेम में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा तो आप पार्टी नेम ले लीजिए। मैं यहाँ पर फिलहाल अभी पार्टी नेम ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमने पार्टी नेम ले लिया। ओके, रेंज के बाद में कॉमा, अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा पार्टी नेम लिया है तो पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, यदि पार्टी नंबर लिए हैं तो पार्टी नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो हमने पार्टी नेम लिया है तो हमने पार्टी नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कॉमा, ठीक है, सम रेंज, अब हमें पेमेंट वालों को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, पेमेंट वाले को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस, फिर सम इफ, क्योंकि हमें रिसिप्ट से पेमेंट को माइनस करना है। यदि फ्रेंड्स आपको पेमेंट से रिसिप्ट को माइनस करना है तो आप
पेमेंट को पहले ले लीजिए या फिर रिसिप्ट को माइनस में ले लीजिए। यदि आपको रिसिप्ट से पेमेंट को माइनस करना है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे पेमेंट को ले लिया, अब मैं माइनस सम इफ लगाऊंगा क्योंकि हमें पेमेंट को माइनस करना है। तो हम सम इफ, ओके, क्योंकि हमें रिसिप्ट से पेमेंट को माइनस करना है। फिर से हमने सम इफ लगा लिया, सम इफ टाइप किया यहाँ पे, आप यहाँ भी देख सकते हैं, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम रेंज में जाएंगे, तो फिर से रेंज हम नेम को लेंगे, क्योंकि हमने पहले नेम को लिया है, तभी भी हम नेम को लेंगे। रेंज हमने नेम ले लिया, ओके, कॉमा क्राइटेरिया, सेम वही जैसे हमने पहले किया, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, कॉमा सम रेंज, तो सम रेंज हमारा प्लस वाला रहेगा, ओके। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पर जो बैलेंस है जीरो है, ओके, क्योंकि इसमें राम सिंह कोई भी नहीं है। यदि हम यहाँ पर राम सिंह लिख देते हैं, ओके, तो देखिए 500 आ गया। अब फ्रेंड्स हम इसको लॉक करेंगे, क्योंकि जब फार्मूला नीचे की ओर जाए तो फिर ये ऊपर वाला वैल्यू नीचे ना चला जाए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ऊपर वाला वैल्यू है, सबसे फर्स्ट रो क्या है, सी रो है, सी वाला फर्स्ट रो है हमारा, तो सी पे क्लिक करके यहाँ पर, और F4 को फंक्शन की से प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, ई है, ठीक है, तो ई वाले पर क्लिक करके हम यहाँ से F4 से लॉक करेंगे। फिर सी वाले को भी यहाँ से F4 से लॉक करेंगे, और फिर ई वाले को, सॉरी एफ वाले को, यहाँ पर एफ है तो एफ वाले को क्लिक करके यहाँ से F4 से लॉक करेंगे, ओके, लॉक कर दी। जिसे हम यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से खींचे तो हमारा सबका वैल्यू आ जाए, देखिए सामने आ गया, लेकिन ये पूरा सिलेक्ट है। यदि हम लॉक नहीं किए होते तो ये जो सिलेक्शन है ये नीचे आ जाता, तो इसलिए हमने लॉक किया। अभी लॉक हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम चाहते हैं कि मैनुअली टाइप ना करने पड़े, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए और यहाँ पर वी लुकअप से डेटा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। इसका जो नेम होगा हम दे देंगे डाटा, यहाँ से जाएंगे फॉर्मूला पे, डिफाइन नेम, और यहाँ दे देंगे डाटा, ओके। फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, फिर डिफाइन नेम पे जाएंगे और इसको हम लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर दे देंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम एग्जाम्पल के लिस्ट देते हैं, लिस्ट, ठीक है, ओके, हम दे दिया। अब हम चाहें तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करके और इंसर्ट पे जाके, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाकर टेबल पे चले जाते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। डाटा पे जाकर जो ऊपर फिल्टर बटन शो कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिल्टर को यहाँ से हटा दीजिए, बट शो करना बंद कर देगा। अभी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पार्टी नेम पे आते हैं, पार्टी नंबर पे यहाँ पर जाते हैं, डाटा पर, डाटा पे क्लिक करने के बाद में डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं और यहां पर एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट है। आपको पता होगा, आप तो बोलेंगे ले तो हमें पहले से पता है, लेकिन फ्रेंड्स फार्मूला भी आगे स्टार्ट होगा, आगे टू आगे, अभी तो हम नॉर्मल डिजाइन कर रहे हैं। सर्च पे जाकर इजिकल टू लिस्ट, ओके, और यहां से हम ओके कर देते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमारा है लिस्ट खुल गया, ठीक है, इसको हम क्लिक करके यहां ला देते हैं ताकि दोनों में लिस्ट शो करने लग जाए। अब इस पे चाहे तो इधर का हम डेटा डिलीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं वी लुकअप का फार्मूला, बराबर VLKUP, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। फ्रेंड्स हम यह इसलिए कर रहे हैं कि डेटा एंट्री करने में आसान हो, ज़्यादा आपको डिटेल टाइप ना करने पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा है सोर्स है ये, कॉमा टेबल एरिया अभी हमने दिया था डाटा का नाम, तो हम दे देंगे डाटा, देखिए डाटा का वैल्यू आ गया यहाँ पे, डाटा लिखकर, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कितना नंबर है हमारा, जो नेम है 1 2, दो नंबर में है ना पार्टी नेम, तो हम यहाँ से 2 कर देंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए 2 नंबर सोहन इंडस्ट्री आ गया, ओके, बिल्कुल सही है।
बाई कैश टू कैश सब मैनुअली रहने देते हैं, बाई कैश बाई चेक, जैसे आपको पर्टिकुलर में जो भी आपको डिटेल डालना होगा आप डाल लीजिएगा, यहाँ पर एंट्री डाल दीजिए, इसको भी रहने देते हैं। वैसे फार्मूले सब में लग सकता है, लेकिन क्या ज़्यादा फार्मूले में खिचड़ी पकाएं, तो ठीक है। ओके, अब इसको हम यहाँ से ऐसे इसको भी कॉपी कर देते हैं। यदि हम यहाँ से इसको वन करते हैं तो राम सिंह आ गया, टू कैश कर देते हैं, कैश 700 रुपये, तो क्या एंट्री वैल्यू होता है, देखिए 700 रुपये माइनस में, क्योंकि हमने माइनस की वैल्यू लिया है यहाँ से, तो माइनस में आ गया। यदि हम वही फिर से हम यहाँ से एंटर करते हैं, लेकिन अब डेटा एंट्री करने से पहले क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लेते हैं और इससे भी टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल, और यहाँ से ओके, ठीक है, डाटा पे जाकर फिल्टर हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्लिक करके एंटर करते हैं, कंट्रोल वहाँ से डेट ला देते हैं, वैसे डेट भी ऑटोमेटिक लाया जा सकता है लेकिन अपनी मर्जी से लाइए। और यहाँ से हम जो भी आपको सिलेक्ट करना है, 5 6 5 नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया, अपने आप आ गया शुभम इंडस्ट्री। ओके, टू कैश या फिर बाई कैश कर लेते हैं, बाई बाई कैश आ गया, और यहाँ पर 500 5500, देखिए अपने आप शुभम के पास यहाँ पर आ गया, ओके वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमारा ये सीट इतना कंप्लीट हो गया, हम इसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इस पे क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके और इसको फ्रीज कर देते हैं। चलिए बाद में फ्रीज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीज तो करना आसान है। तो हमारा इस पे और कुछ रह तो नहीं गया, रह गया तो चलिए कंप्लीट कर लेंगे बाद में, ठीक है, इतना हो गया। अब हम आते हैं रिपोर्ट वाले सीट पे, रिपोर्ट वाले पे आ गए। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगने वाला है फ्रेंड्स, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। तो चलिए, तो फ्रेंड्स फार्मूले को लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है, नेम वगैरह, सेम टू सेम कॉपी करके आप यहाँ पर लाइएगा। जब फ्रेंड्स आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा तो बिल्कुल सेम टू सेम टाइप कीजिएगा, कोई डॉट, कोई स्पेस या कोई आगे पीछे कोई गलती ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, नहीं तो काम नहीं करेगा। होम पे जो हेडिंग है वही हेडिंग यहाँ पर आपका होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए अकाउंट नेम है, यहाँ पर भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ से डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू जगह पे लिस्ट, और सोर्स पे जाके इजकल टू टाइप करते हैं, और यहाँ से क्लिक करके ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब करेगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे डेट बाई पार्टी नंबर जैसे भी लाना चाहते हैं हम क्लिक करके लेंगे। ओके आ गया। अब फ्रेंड्स कहीं भी क्लिक कर लीजिए, और डेवलपर का ऑप्शन आपका यदि कंप्यूटर में नहीं, आपके एक्सेल में नहीं शो कर रहा है, तो फाइल पे जाकर, ऑप्शन पे जाकर, यहाँ से आप कस्टमाइज रिबन पे जाकर आप यहाँ पर देखिएगा डेवलपर, आप इसको चेक करके ओके कर दीजिए। ओके, शो होने लग जाएगा। तो डेवलपर पे हम जाते हैं, डेवलपर पे जाने के बाद में रिकॉर्ड माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो को हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और इसका कोई नेम दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं, फिल्टर विल्टर जो आपको देना हो आप यहाँ पर नाम दे दीजिए, मुझे फिल्टर देना है तो मैं फिल्टर, क्योंकि फिल्टर हो रहा है ना तो फिल्टर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स हम जाएंगे डाटा पे, एडवांस पे जाएंगे, ओके एडवांस, ओके, और यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो भी डेटा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे फिलहाल, ठीक है, ये सबको डिलीट कर देंगे। लिस्ट रेंज पे जाएंगे, लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज हमारा कौन सा है, तो हम इस पर सेलेक्ट कर लिए, होम पे गए, और यहाँ से जो लिस्ट है डेटा है इसको हम इतना सेलेक्ट कर लेंगे, जितना डेटा एंट्री है आप उसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज पे आइए, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, जहाँ पर हम डेटा डालेंगे और फाइंड करेंगे, तो हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। ओके, इस तरह से हो गया सेलेक्ट। उसके बाद में फ्रेंड्स हम कॉपी टू पर आएंगे, ओके कॉपी टू, और उसके बाद यहाँ से जहाँ हमें कॉपी करना है इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से ओके करेंगे, देखिए वाओ डेटा यहाँ पर आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स डेवलपर पे जाएंगे
और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। ओके, होम टैब क्लिक कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि सारा डेटा जो भी टाइप है आ गया। ओके, अब इस पर लिंक करेंगे जो आपने रिकॉर्ड किया है। राइट क्लिक करेंगे, एक्जाइन माइक्रो सेफ है उस पर भी चला जाएगा, एक्जाइन माइक्रो। उसके बाद में फिल्टर और ओके। मैंने यहाँ पर डेवलपर से बटन ले रखा है, आप चाहें तो सेप वगैरह भी ले सकते हैं, सेम वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। अब फ्रेंड्स हम जैसे पार्टी नेम से सर्च करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप देखिए आपको जैसे सर्च करना हो, यदि आप नेम से सर्च करना चाहते हैं पार्टी नेम, या ठीक है यहाँ से पार्टी नेम से, तो मैं यहाँ पर पार्टी नेम रख दूँगा सोहन, और यहाँ से फाइंड करूँगा तो देखिए सिर्फ सोहन। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा नाम टाइप कीजिए, आप दो तीन वर्ड भी टाइप कीजिएगा तो सिमिलर वर्ड का जो भी अकाउंट होगा शो कर जाएगा। यदि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं पार्टी नंबर से टाइप करूँ और सर्च करूँ, तो यहाँ वन टाइप करके और फाइंड करूँगा तो देखिए वन का जो भी आ जाएगा। यदि मैं चाहता हूँ कि सारा रिकॉर्ड आए, सारा डेटा आए, तो मैं यहाँ पर डिलीट करके और फाइंड कर दूंगा तो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, और सभी रिकॉर्ड को यहाँ पर प्लस करके बताएगा। और फ्रेंड्स ये प्लस कैसे कर रहा है, तो काफ़ी इजी है। हम यहाँ पे गए इजिकल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर क्लिक करके आप नीचे तक जितना सेलेक्ट करना है कर लीजिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके खींचना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पर सीधे टाइप कर देता हूँ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, यहाँ पर वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी तरह से सेम इधर भी इजिकल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इतना, और लास्ट में फिर मैं भी इधर भी 1 लाख, अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। गलती क्या हो गया, तो गलती हमने यहाँ पर सेल नहीं टाइप किया, F 1 लाख, ओके क्लोज और एंटर। तो देखिए वैल्यू यहाँ पर आ गया। और किसी एक पार्टी की डिटेल चेक करना होगा तो आप किसी एक पार्टी का बस अकाउंट नंबर डालकर फाइंड कर लीजिए, इसका एक पार्टी का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब आसानी से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं होम पे, यहाँ होम पे डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पर लिंक नहीं है, तो हम राइट क्लिक करते हैं, एडिट हाइपरलिंक पर जाते हैं, और यहाँ पर होम पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो सीधे हम और इसको थोड़ा हाईलाइट वगैरह कर लेते हैं, ये तो पहले भी वीडियो में बताया गया है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए। अब फ्रेंड्स हम इसमें एक डेटा एंट्री करके देखते हैं क्या आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट काम करता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, ओके 6 नंबर अकाउंट डालते हैं, तो रिट्राई, 6 नंबर अकाउंट नहीं है, तो आप कोई भी गलत अकाउंट डालेंगे, गलत नंबर डालेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 नंबर डालकर, तो 5 नंबर आ गया। यदि हम यहाँ पर 3 नंबर करते हैं, 4 नंबर, तो 4 नंबर पे आ गया। ठीक है, टू कैश करते हैं 800 रुपये का या फिर 8,000 का एंटर। तो देखिए 8,000 माइनस में आ गया क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है, रिसिप्ट हुआ नहीं है तो माइनस में। ठीक है, यदि हम यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं तो क्या यहाँ पर अपडेट होता है, तो यहाँ पर जाते हैं, एंटर करते हैं 6 संगम इंडस्ट्री, ओके ओके ठीक है संगम इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हम डेटा एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं 6 नंबर को, तो देखिए संगम इंडस्ट्री आ गया। लेकिन फ्रेंड्स यदि कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे आता है एरर, तो एरर क्यों आ रहा है, चलते हम इसको इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। डबल क्लिक करते हैं वी लुकअप से पहले इफ ERROR इफ एरर ब्रेकर स्टार्ट, और लास्ट में आते हैं कॉमा नॉट कॉमा स्टार्ट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, और यहां से डबल क्लिक कर देते हैं, अब एरर आना हट जाएगा। अब हम 6 नंबर टाइप करें या डिलीट करें या फिर 5 6 नंबर टाइप कर लिए, ठीक है बाई कैश 5,000 या 50,000 हो गया जो भी है। ठीक है, फिर से डेटा एंट्री 1 राम सिंह आ गया, 2 कैश 500, फिर से डेटा एंट्री कर लेते हैं सेम टू सेम 1 का ही ना, कंपनी का नाम अपने आप आ जाएगा अकाउंट नंबर वाली, तो बाई कैश, बाई लिखिएगा कैश अपने आप आ जाएगा 500,
एंटर। ठीक है, अब हम चलते हैं रिपोर्ट पे, क्या रिपोर्ट सही से काम कर रहा है। जाते हैं यहाँ पर वन को डालकर कम फाइंड करते हैं। तो देखिए जो भी एंट्री किए यहाँ पर फाइंड आके हमारा बैलेंस भी बता रहा है, रिसिप्ट 500 हुआ और टोटल पे पेमेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स जो बैलेंस का फार्मूला है, जैसे आप बैलेंस का फार्मूला आप इस साइड में लगा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर राम सिंह 700 पे माइनस में आ रहा है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर रिसिप्ट माइनस पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पर भी बैलेंस में क्या करेंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट करेंगे। यदि आप पे माइनस रिसिप्ट कर रहे हैं तो आप पेमेंट माइनस रिसिप्ट कर लीजिए। आपको जिस तरह से फार्मूला लगाना है, जैसे आपको समझना है, आप वैसे लगा लीजिए। पेमेंट से रिसिप्ट को माइनस कर लीजिए या फिर रिसिप्ट को पेमेंट से माइनस कर लीजिए, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इजिकल टू रिसिप्ट माइनस पेमेंट कर लेता हूँ। तो देखिए -700 रुपये आ गया, जितना वैल्यू हमारा होम पे है। तो ये पहले का फार्मूला लगा हुआ था तो इस तरह का शो कर रहा था। आप देख लीजिएगा कि आपको रिसिप्ट से पेमेंट को माइनस करना है कि पेमेंट से रिसिप्ट को माइनस करना है। आप उस हिसाब से फार्मूले बस पलटना है फार्मूले का सेल को, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर इतना फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई दो नंबर अकाउंट डाल के एंटर करते हैं। तो एंटर करने से नहीं आएगा, टाइप करके आपको फाइंड कराना होगा। तो दो नंबर अकाउंट का आ गया, तो सबको लाना है, तो डिलीट करके फाइंड कर दीजिए, सभी का वैल्यू आ जाएगा। यदि पार्टी नंबर से आप फाइंड नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं डेट बाई फाइंड करना, तो आप डेट डाल दीजिए आज का और फाइंड कर दीजिए, तो टुडे डेट का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, कुछ डेट इसमें कल का भी है, तो देखिए कल वाला रिकॉर्ड नहीं आया, बस आज वाला रिकॉर्ड आ गया। क्योंकि फ्रेंड्स रात का 1:30 बजे, अब मॉर्निंग में आ गया, अब तो AM आ गया, तो रात का 1:30 बजे रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तो मॉर्निंग नहीं हुआ, वैसे रात के 1:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो कल का कुछ डेटा में चला गया, कुछ आज के डेटे में हो गया। तो इस तरह से डेट बाई फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो जो आपको सेलेक्ट करना है, रिसिप्ट बाई, पर्टिकुलर बाई, पार्टी नेम बाई, जैसे सर्च करना है आप क्लिक कीजिए, उसका नाम टाइप कीजिए, राज के नाम से करना है तो राज के नाम से सर्च कीजिए, तो देखिए राज एंड कंपनी का रिकॉर्ड आ गया। यदि राज दो रहेगा तो दोनों का शो कर जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।